अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसी देख रहे हो फकीरी रंग चैनल। अज दे इस पैगाम दे विच एक अजिहा वाकया आप दे नाल सांझा करांगा कि अगर एक मां चाहे अपने बच्चे नू पीर फकीर ते बली बना सकती है, अगर एक मां चाहे अपने बच्चे नू डाकू चोर लुटेरा बना सकती है। कहंदे ने कि बाबा फरीद जी दी जो अम्मा जान सी, उन्होंने उन्होंने जंगल दे विच भगती करन दे लई भेजिया ते एक बली बनाता। इसे तरह हजरत पीर शेख अब्दुल कादर शाह जैलानी महबूब सुबहानी पीर मीरा गौस पाक सरकार जी दे जो अम्मी जान हजरत बीबी उमल खैर फातिमा जी, उन्होंने अपने बेटे नू अजिही शिक्षा दित्ती कि अज पूरी दुनिया दे विच पीर मीरा गौस पाक सरकार जी का नाम बड़े अदब के नाल लिया जाता। तो आओ अज का यह वाकया हजरत पीर मीरा गौस पाक सरकार जी के जीवन के नाल संबंधित है, उन्होंने बचपन के नाल संबंधित है। तो इस वाक्य को पूरा जरूर सुनना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, जिंदगी सच के राह लैके जाने मिलेगा। आओ अज का वाक्य शुरू करिए। कहते हैं कि 7 साल की उम्र मेरा गौस पाक सरकार कुछ बच्चों के नाल खेड रहे ने। एक बच्चे ने आके दसिया कि अब्दुल कादिर अपने पिंड तो बगदाद शहर के लिए एक बहुत बड़ा काफिला जा रहा है, उस दे विच बहुत सारे लोग जा रहे ने। कोई उत्थों तलीम लैन ले जा रहे ने, कोई उत्थों इबादत करन ले जा रहे ने, कोई जियारत करन ले जा रहे ने, कि तू भी चलेगा? तो जो इन्नी गल सुनी 7 साल की उम्र अब्दुल कादर सरकार घर आके अपनी अम्मी जान नू कहंदे कि मां अपने शहर तो बगदाद दे लई एक बहुत वड्डा काफिला जा रहा है, बहुत सारे लोग विच जा रहे ने, बहुत सारी तलीम लैण दे लई जा रहे ने, जे तुसी मैनू इजाजत दिओ ते मैं भी उस काफिले दे विच चला जावां, कुरान शरीफ जी की तलीम मैं भी उत्थों ले लेवांगा। तो मां हसे मुस्कुराए, हथां नू चुम्मिया, मत्थे नू चुम्मिया कि बेटा थानू ये गल किने दसी? तो सरकार कहन लगे कि मेरे नाल दे कुछ साथियों ने मैनू दसिया, वह भी जा रहे ने। तो अम्मी जान खुश हो गए कि अज मेरे बच्चे ने कुछ सीखण दे लई, कुछ पढ़न दे लई, अगे वधण दे लई कोशिश कीती है। कहिंदी हाँ बच्चा तू जरूर जाएगा, कद जाएगा काफिला? तो कहिंदे मां कल जाएगा। हुण मां अपने बच्चे नू तैयार करती है, कुछ चीज़ां खाण नू दित्तियां ते एक कुर्ता दित्ता पाउण दे लई, ते आखिया अब्दुल कादिर इस कुर्ते दे थल्ले तेरी बगल दे विच, तेरी कश दे विच एक जेब है जिहदे विच 40 दिनार मैं सीं दित्ते ने, लोड़ पैण ते वक्त पैण ते इन्हां 40 दिनारां नूं तूं अपने लोड़ अनुसार किते वरत सकदा है। तो सरकार जी ने कहा ठीक है अम्मा जान, काफले दे विच रवाना हो गए। ते उस वक्त उन्हां समयां दे विच काफला रुकदे रुकदे जाया करदा सी। तो कहिंदे एक जंगल पिया, जंगल दे विच जो काफला रुकिया तो उस काफले दे विच सरकार जी ने देखिया कि कुछ चोरां ने काफले नू लुट लिया, काफले दे उपर हमला कर दिता। हुण गौस पाक सरकार जी उस काफले दे विच बैठे अपनी मां द्वारा दित्ती हुई शिक्षा नू याद कर रहे ने। हुण मां ने आउण तों पहलां कुछ गल्लां समझाईयां। मां ने की कहा सी? मां कहिंदी कि अब्दुल कादिर इह जिहड़े दिनार ने इन्हां नूं लोड़ पैण ते खर्च लवीं, ते जिंदगी दे विच मुसीबत किन्नी मर्जी वड्डी पै जावे पर कदी भी झूठ नहीं बोलना, उस खुदा दे दर दे विच जाणा है, दरगाह दे विच जाणा है, झूठ बोलांगे तां किहड़ा मूँह लैके जावांगे, कदी झूठ नहीं बोलना कुछ भी हो जावे। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਕਾ
तेरे कोल कुछ है? तो सरकार जी ने कहा, मां दे बोल याद रख के झूठ नहीं बोलना। कहंदे कि मेरे कोल 40 दिनार ने। हुण उस व्यक्ति ने जेबां फुलियां, दिनार नहीं मिले ते चले गए। जाके अपने सरदार नूं दस्या कि एक बच्चा है, उसनूं जदों मैं देखिया पुछिया, उसने कहा कि मेरे कोल 40 दिनार हन, पर उहदी जेब देखण ते मैनूं कुछ नहीं मिलिया। डाकुआं दे सरदार ने एक दूजे बंदे नूं भेजिया कि तू जाके चैक कर। उहने जाके जदों पुछिया, ए काका तेरे कोल की है? तो सरकार जी फिर बोले कि मेरे कोल 40 दिनार ने। उन्हें जो फिर जेबां देखिया, देखिया कुछ ना मिलिया। तो फिर जाके सरदार नूं दस्या कि वह कह रहा है कि मेरे को 40 दिनार है, पर देखण ते कुछ नहीं मिलता। सरदार ने कहा कि मेरे को ले आओ। जो सरकार नूं सरदार दे कोल लेके गए, चोरां दे सरदार ने कहा, ए काका तू देखण नूं बड़ा मासूम लगदा है, दस तेरे को की है? तो फिर सरकार जी ने कहा कि मेरे को 40 दिनार ने। ते वो चोरां दा डाकू कहण लगा कि जो तेरी असी जेब देखते हैं, तेरे को देखते हैं, तेरे को एक भी दिनार नहीं है, कि तू झूठ बोलता है? सरकार जी कहते, नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा मेरी माँ दे नाल वादा है कि किड्डी मर्जी वड्डी मुश्किल पै जाए कभी झूठ नहीं बोलना। तो कहते फिर 40 दिनार दस कित्थे आ? कहते सरकार जी ने अपना कुर्ता लाया, ला के पुठा किया, वो अपने बगल के बिचों सीनते हुए 40 दिनार कढ़ के दिते। चोरों का डाकू कहन लगा, कहिंदा ये 40 दिनार तू एडी हिफाजत में रखे सन, जे तू सानू ना भी दसदा, झूठ बोल दिता कि मेरे को कुछ नहीं, तो सानू कुछ ना पता लगता, तू क्यों दस्या? तो सरकार कहन लगी कि मेरा मेरी सिर्फ माँ दे नाल वादा है कि जिड्डी मर्जी मुसीबत पै जाए अब्दुल कादिर कभी झूठ नहीं बोलना, उस खुदा नूं जान देनी है। तो चोरां दे सरदार दे दिल दे उपर इस गल ने बहुत ज़्यादा असर किया। उसने अपने मत्थे ते हाथ मारिया, ओहो ये की हो गया, एक छोटा जिहा बच्चा अपनी माँ दे नाल कीते हुए वादे नूं नहीं तोड़ रहा। असी उस खुदा दे नाल वादा किया है कि असी हक सच की कमाई करांगे, असी किसी नूं नुकसान नहीं बचावांगे, असी फिर लोगों नूं लुट रहे हाँ, लोगों नूं माल जिहड़ा खोह के अपने को रख रहे हाँ, उन्हां नूं नुकसान पहुँचा रहे हाँ, तो असी कित्थे बख्शे जावांगे। हुण वो पछता रहा, तो सरकार जी हसे हसे कहन लगे, कहिंदे पछताउण दी लोड़ नहीं, ए डाकुआं दे सरदार जे तू सच्चे मन दे नाल तौबा कर लवे तां फिर तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, खुदा तेनू बख्श देवेगा। तो उन्होंने पूछा कि सरकार जी नूं कि तुसीं कौण हो? सरकार जी ने अपना दस्या कि मैं कादरी घराने दे विच हाँ। तो जदों देखिया कि उन्होंने चोरां दे डाकू ने कहा, कहिंदे ठीक है मैं तुहाडे हथ दे उपर तौबा करांगा। तो सरकार जी ने अपना हथ अगे वधाया, कहिंदे लै मेरे हथ दे उपर उस खुदा दे अगे तौबा कर लै, खुदा तेनूं माफ कर देवेगा, तेरे सारे गुनाहां नूं माफ कर देवेगा। डाकुआं दे सरदार ने अपने नालदियां नूं कहा कि जिन्ना समान तुसीं लुट्टिया सारा इन्हां नूं वापस कर दिओ, मैं लगा तौबा करन, तुहाडी मर्जी है, तुसीं अगे तों लुटणा लुट्टो, नहीं लुटणा ना लुट्टो। ते चोरां दे डाकुआं दे जो बाकी नाल दे बंदे सन वह कहन लगे, कहिंदे देखो असी लुट चोरी भी तुहाडे नाल कीती, असी डाके भी तुहाडे नाल कीते, हुण जदों तौबा करन दी वारी है सानू कल्ले छड्ड रहे हां, असी भी तुहाडे नाल ही सरकार जी दे हथ दे उपर तौबा करांगे, इस बच्चे दे हथ दे उपर तौबा करांगे। सारिया ने उस अब्दुल कादर सरकार जी दे हथ दे उपर हथ रख के सच्ची तौबा कीती, उस खुदा दे घर प्रवान हो गए, ते उह सारे जो डाकू सी उह सारे कुत्त बन गए, फकीर बन गए, बली बन गए। यह होंदी है करामात, यह होंदी है सरकारां दी करामात, एक पल दे विच भुल्लियां नूं सीधे रस्ते पा देना। तो बहुत सारी करामातां सरकार दीआं ने, आस करांगे आप जी नूं अज दा इह वाकिया चंगा लगा होवेगा, कुछ ना कुछ सीखण नूं जरूर मिलिया होवेगा, कमेंट करके जरूर दसना। जल्द हाजिर होवांगा नवें वीडियो दे नाल, तद तक लई हक मुरशद सच मुरशद।